having many projects on this management, skill development, livelihood promotion, manual scavengers, rehabilitation training part, toilet construction, sanitation program, water and sanitation program in rural and urban areas, and working in the various capacities. And right now, I'm chairperson of International Center for Women and Child, which is an associate organization of Surat International. I've done my PhD from IIT Delhi in 1997. After that, I joined Surat International. Now, you tell me brief about yourself, your name, your discipline, little bit about the background. Thank you. So, let's one by one. My name is Shivam. I am from Badarpur, Gondar. My age is 20. HSI का कोर्स किया है, ITI से बनने के लिए हेल्थ सेंटर इंस्पेक्टर. Okay. And 12th पास. Thank you. Next. हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमित कुमार है और मैं दिल्ली कोलकाता में रहता हूँ. ईयर 2006 में मैंने ग्रेजुएशन किया था. उसके बाद मेरा 10 ईयर का एक्सपीरियंस इन ग्राफिक डिज़ाइनर. पिछले 6 महीने से मैं फ्री हूँ. मेरा एक पर्सनल इंटरेस्ट था वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर, जिसके बारे में कुछ स्टडी कर रहा था लास्ट 6 महीने से. उसी दौरान मुझे ये कोर्स के बारे में पता चला, मैंने इसके लिए एनरोल किया. तो आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. मेरा शॉर्ट टर्म प्लान है इस इंडस्ट्री को सीखना 2 से 3 साल. उसके बाद मेरा लॉन्ग टर्म प्लान है कि उत्तराखंड में जाकर पाइन ट्री से गिरने वाली जो पाइन लीफ होती हैं, उससे जंगलों में आग बहुत ज़्यादा फैलती है, उसके कंट्रोल के लिए मैं क्या कर सकता हूँ उसके बारे में. थैंक यू. गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम निखिल है और मैंने क्लियर कर रखे द्वारका सरस्वती आईटीआई से मेरे एचएसआई का कोर्स. गुड मॉर्निंग, मेरा नाम अमित है. मैं दिल्ली कश्मीरी गेट की स्मॉल टाउन लोकेलिटी में रहता हूँ. मैंने बीएससी जूलॉजी ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से करा है और मैं वेस्ट मैनेजमेंट में कोई भी अपना एंटरप्रेन्योरशिप, कोई भी स्टार्ट इन इंडस्ट्री करना चाहता हूँ अभी. गुड मॉर्निंग, माय नेम इज अमित कुमार, आई एम फ्रॉम गाजियाबाद. मैं 12th पास हूँ. मैंने भी आईटीआई से एचएसआई का कोर्स करा हुआ है. गुड मॉर्निंग, मेरा नाम प्रणव झा है. मैं डिप्लोमा किया हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स से और मेरे पिता जो सुबह में काम करते हैं, तो उनके थ्रू पता चला, तो हम इसमें जगह अप्लाई कर दी है. गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम अभिषेक राज है. आई एम बीटेक क्वालिफाइड फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग, परसेइंग फ्रॉम आदित्य यूनिवर्सिटी. आई एम फ्रॉम बिहार. मेरे को वेस्ट मैनेजमेंट में काम करना था, इसलिए मैं ज्वाइन किया. वेरी गुड. गुड मॉर्निंग, मेरा नाम रंजन कुमार झा है. मैंने मिथिला यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री ऑनर्स किया है और मैंने कोर्स ज्वाइन किया. मैम, मैं मोनिका सक्सेना हूँ और मैंने बीएससी फिजिक्स और कॉर्पोरेट्स में काम किया और पिछले कई सालों से अपना कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करती हूँ और वेस्ट मैनेजमेंट में अपने आरडब्ल्यूए लेवल पे काम किया. कुछ सोचा कि और कुछ समझ सकें, सीख सकें, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर. थैंक यू. गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम प्रशांत शर्मा, मैंने भी द्वारका से एचएसआई कोर्स करा है. माय नेम इज आकाश and I have done my graduation in BTech Environmental Engineering from Delhi Technological University, formerly known as DC, Delhi College of Engineering. And I have a great interest in this field, and I previously worked the firms like BMRC and DBCC related to this project, waste management. So that's why I decided to join here. Good morning, ma'am. मैम, मैंने भी अच्छा 10th के कम्प्लीट कर रहा हूँ. मैम, एचएसए का कोर्स भी कर रहा हूँ. छोटे से मंगल अपनी जीवन से आया. थैंक यू. गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम दीपक कुमार है. मैंने हेल्थ सैनिटरी का कोर्स किया है और मैं इस कोर्स को आगे बढ़ाना चाहता था, इसलिए मैंने इस ये कोर्स ज्वाइन किया है. हेलो मैम, गुड
My name is Divyanshi. I'm from Kanpur. I'm done my MSc with chemistry. And in my chemistry section, I'm done many visits in sewage treatment and Bantra site section where is water treatment plants and anything. So I don't want to leave my left my field, so I just want to know more about in this field. So thank you so much. Good morning ma'am. मैंने भी health center inspector का course किया है और मैं मेरे को इसमें interest आया है तो इसलिए मैंने ये course. Good morning ma'am. I am Shivam and I have done my BSc Physics Honours from Motilal Nehru College. And I am interested in this course because I want to do waste management at a village level, at rural level. That's why I am here. Very good. Next. Morning ma'am and everyone. My name is Priya Gupta and I am from Bareilly. I have done my BSc in Life Sciences from Dalit Ram College, Delhi University and currently doing MSc in Environmental Science. I have worked previously with Paryavaran Mitra, Gujarat Village NGO for 10 months as a research intern and communications intern. And right now, I just want to learn more about this waste management system and how I can implement such management in my locality. And I want to work with more NGOs in this week. गुड मॉर्निंग एवरी वन. मेरा नाम पिंसी गोयल है और मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो कश्मीरी गेट पर है अभी. और मैंने इसके साथ साथ 5 साल वॉलंटियर किया है एक सिटीजन ग्रुप में फॉर प्लांटेशन क्लीनअप राइट्स और वेस्ट मैनेजमेंट अवेयरनेस वर्कशॉप्स में. और 6 महीने पहले कोर्स के बारे में पता लगा तो मैंने इसके लिए अप्लाई कर दिया क्योंकि मुझे आगे इसी फील्ड में कंटिन्यू करना है. Good morning ma'am, my name is Shubham and I am currently doing B.Tech 3rd year. Good morning everyone, I am Dharav. I have done graduation, I am interested in waste management. I am already working in various MNC company in Goa. Good morning everyone, my name is Rahul. I have done my MSc in Environmental Science. And I am interested in waste management, especially in electronic management. Thank you. Good morning, ma'am. My name is Rakhi. I have done a course in the health and inspector of course. Good morning, ma'am. And everyone, good morning. My name is Kavita. I have done a health and inspector of course. And I have done a course in this course. What do you think? आप लोग सभी डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं और सबसे अच्छी बात क्या है कि एक चीज़ बहुत कॉमन है कि सब लोगों का झुकाव वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ है. एम आई करेक्ट? यस. बहुत अच्छा है. ये जो आज मैं आपके साथ में अभी डिस्कस करूंगी, आई विल डिस्कस एन ओवरव्यू ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, दैट इज इंट्रोडक्टरी पार्ट, है ना. एंड आप सब्सिक्वेंटली लेक्चर्स में सब चीजों को आप डिटेल में पाएंगे. फिर ऑफिस स्पेसिफिक जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी आप अपने उस रिलेटेड लेक्चर्स के साथ में आप उससे मैं आप डिस्कस कर लीजिएगा, विच इज माय सजेशन, ठीक है ना. क्योंकि सबकी अपनी अपनी आकांक्षाएं हैं बिकॉज आप लोगों ने सबने डिफरेंट फील्ड्स पे, किसी ने कंपनीज में काम किया है, वेस्ट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है, एनजीओस में काम किया है, और आप जो है अपने अंदर भी इसको एज ए कैरियर भी आप एक देख रहे हो. जो मुझे सुनने में लगा आपको एक ये भी देख रहे हो कि हम वेस्ट मैनेजमेंट को ऐसे कैरियर कैसे हम आगे ले जाए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और जो बहुत रेलिवेंट भी है. ट्रेनिंग लेने का पर्पस क्या होता है? ट्रेनिंग लेने का पर्पस होता है कि हम उससे सीखेंगे और हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है. आप यहाँ पर आए हैं और ये कोर्स में आप बहुत कुछ सीखेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपके साथ एक्सपर्ट्स आएंगे, वो आपको डिफरेंट आपको सब टॉपिक्स में, स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स में आपको काफ़ी कुछ बताएंगे. तो मैं तो आप सबको बेस्ट विशेस कहती हूँ कि आप लोग यहाँ से जब जाएंगे तो बहुत कुछ सीख के भी जाएंगे और फिर आप कनेक्ट में भी रहेंगे. अगर किसी को कभी कोई ज़रूरत हो या कुछ हो तो एक सुलभ तो एक फैमिली की तरह है और सुलभ में तो ये कि जो आता है वो सुलभ के साथ जुड़ जाता है, सबसे अच्छी बात ये है.
तो जो पिछले सेशंस में मैंने जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाया, अक्सर मैम का फोन कॉल मेरे पास आते रहते हैं, मैम हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा लगता है सुन करके। तो आप लोगों से भी मुझे आशा है कि आप लोग बहुत सिंसियरली, ऑनेस्टली और पूरे उसके साथ में ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक ओवरव्यू है, इसमें हम बहुत सारी चीजें आती हैं, पहले की वेस्ट है क्या, ठीक है। द सेकंड थिंग इज हाउ वी क्लासिफाई वेस्ट। मैं आज आपको बहुत जनरल बहुत सारी चीजों को कवर करूंगी, आपको इसमें जो डिस्कस करना होगा आप मेरे से पूछिएगा, है ना, ड्यूरिंग डिस्कशन पार्ट। और आप आने वाले लेक्चर्स में ये सब में आप डिटेल्स में आपको लेक्चर्स मिलेंगे। देन सोर्सेस क्या क्या होते हैं वेस्ट के, ठीक है, क्योंकि इसमें कई लोग हैं जो मैंने पाया है कि कई तो हैं जिनको एक्सपीरियंस है और कुछ न्यू कमर्स भी हैं, ठीक है, इसलिए